आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के स्टॉक में बहुत ही जल्द जबरदस्त तेजी आने वाली है। इसके पीछे जो रीजन है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्यों आखिरकार में बड़ी तेजी आने वाली है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाजार में नरमी बनी हुई है। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो DII की तरफ से जो बाजार को संभाला जा रहा था वो कल थोड़ा सा कम हुआ, यानी कल DII ने खरीदारी बहुत ही कम की, और दूसरी तरफ जो FII की तरफ से जो बिकवाली थी वो बहुत ज़्यादा हुई, और इस वजह से कल हमें बाज़ार में गिरावट देखने को मिली। और आज भी लगभग वही सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस समय FII फिर से थोड़ी सी बिकवाली अपनी बढ़ा चुका है, और इसी वजह से बाज़ार को थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार नीचे आ रही है। क्रूड ऑयल फिलहाल नीचे 100 से भी नीचे एक बार चला गया। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब जो बड़ी मंदी की जो आशंका बनी थी वो खत्म हो चुकी है, और जल्दी यहाँ पे बाजार में फिर से तेजी लौट आएगी। तो ऐसे में हमें क्वालिटी स्टॉक में निवेश तो करना चाहिए, जिसमें टाटा पावर सबसे आगे है। टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जो आपको कभी भी बेचना नहीं चाहिए, इसको रखना चाहिए आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में। यह आने वाले समय में आपके लिए एक बड़े एसेट का काम करेगा। जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो यही आपकी उन जरूरत को पूरा कर सकता है, ये इसमें काबिलियत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों ये इतना मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 222 पर, लो बना 219 का और हाई है 223 का। अंत में क्लोजिंग 220 पर रही, जहाँ पे 0.41% की गिरावट थी। तो काफ़ी कम गिरावट थी, आधा प्रतिशत से भी कम गिरावट थी। लेकिन अगर आप निफ्टी एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी एनर्जी आज 24,759 के स्तर पे क्लोजिंग रही, जहाँ पे 339 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। करीब 1.35% गिरा है निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी टाटा पावर में जो कम गिरावट है, ये एक इशारा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। लोग निचले लेवल से खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। आज बाजार में भी गिरावट हुई, और इसके पीछे ऑलरेडी हमने वजह डिस्कस की है कि यहाँ पे DII की तरफ से थोड़ा साथ कम मिल पा रहा है बाजार को, वो भी काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर चुके, अब थोड़ी सी उनको भी थकान हो रही है। लेकिन ये जल्द ही जो सिचुएशन चेंज होने वाली है, और यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना फिर से बनने वाली है। फिलहाल BSE सेंसेक्स आज 53,514 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 372 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.69% की गिरावट थी। अब टाटा पावर की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न भी दिया, यानी जिसने भी 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो एक तरह से जैकपॉट ही लगाइए, क्योंकि 28 की लो थी उस समय जब ये कोरोना का काल आया था पहला, और उस समय बाजार गिरा था। उसके बाद ये 300 तक जाके आए, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला। अब फिलहाल स्टॉक 220 पर है, 52 वीक की बात, लो की बात करें तो 118 का है, और 298 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 220 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो हम पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 1 करोड़ का वॉल्यूम है, थोड़ी सी वॉल्यूम में कमी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे घरेलू ब्रोकरेज हाउस है वो तो बाय की कॉल दे रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से बिकवाली की सलाह दी जा रही है। और एक तरह से देखें तो यहीं पर कन्फ्यूजन पैदा होता है लोगों में। यहाँ पे शेर खान की तरफ से बाय की कॉल दी जा रही है, उनका कहना है कि 250 का टारगेट है इसका और जल्दी आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है मॉर्गन स्टैनली, उनका कहना है कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगी। उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो 175 का रखा है। वैसे उन्होंने इसकी अंडरवेट रेटिंग दी है, और उनका कहना है कि 175 के आसपास स्टॉक मिल सकता है। लेकिन उनका ये भी कहना है साथ में कि कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। उनका हिसाब से जो कहना है कि 2030 तक कंपनी 20 GW का रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन करेगी, जबकि कंपनी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो इसके उलट है। कंपनी ये जो टारगेट है ये बहुत ही समय पहले ही पूरा कर सकती है, और ये इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो अपना विजन पेश किया वो क्लियरली ये साबित करता है कि ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। कंपनी ने कहा है कि आने वाले 5 साल में वो 75,000 करोड़ बीच का निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी ऑलरेडी अपनी परंपरागत ऊर्जा के ऊपर तो काम कर ही रही है, और वहाँ पर इनका बहुत ही मजबूत कामकाज है, और वहाँ जो ये जो 75,000 करोड़ होगा वो ग्रीन एनर्जी के लिए। इसमें से इनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी इस साल वो 14,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं नया, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में होगा। तो ये बहुत बड़ा इनका विजन है। फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो ग्रीन एनर्जी का वो 35% के आसपास है, उसको आने वाले 5 साल में 60% पर ले जाएंगे, यानी 60% होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट किया कि 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है, और आने वाले 2070 तक पूरी तरह से यानी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। लेकिन यहाँ पे ये जो टारगेट रखा गया है
टाटा पावर की तरफ से वो 2045 का है, यानी 2045 तक ही कंपनी पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे चले जाएंगी। ये समझ सकते हो कि आप कितने एग्रेसिव तरीके से वो अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी ने अपना 1.75 पर शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया था और ऑलरेडी डिविडेंड आपके अकाउंट में आ चुका है, आपको पता ही होगा, सबको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर अभी तक आपको डिविडेंड नहीं मिला तो जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से डिविडेंड देने की शुरुआत कर दी है। लगभग 80% लोगों को डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है, सबने अपने अपने कमेंट करके कहा है कि हमको डिविडेंड मिल चुका है, तो बिल्कुल कंपनी ने जल्द से जल्द आपका डिविडेंड क्लियर किया है। और इसीलिए कंपनी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि हर साल आपको अच्छा डिविडेंड तो कंपनी देती देती है, साथ में इसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 28% रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया, यानी उसमें 28% की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ में जो कंपनी का ROCE है उसमें करीब 7.8% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो पिछले साल आप देख सकते हो कि 7.2% था, तो उसमें आप देख सकते हो कि अच्छी खासी बढ़ोतरी ROCE में भी हुई है। इस तरह से अगर आप देख सकते हो तो कंपनी का जो कारोबार है लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी EV चार्जिंग के ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत सारे बिजनेस टाइप ऑलरेडी कर चुकी है। सोलर रूफटॉप के ऊपर कंपनी का कामकाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह से अगर आप देख सकते हो, साथ में कंपनी अपना स्मार्ट मीटरिंग का काम भी कर रही है, यानी जो डिस्कॉम के माध्यम से जो बिजली के लिए जो मीटर लगाए जा रहे हैं वो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो कंपनी अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे कामकाज कर रही है और लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है। ओडिशा में भी इन्होंने अभी एक नया डिस्कॉम शुरू किया, जिसके वजह से इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जून में कंपनी ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, कंपनी लगातार अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है, कारोबार के आगे बढ़ा रही है। तो ये जो क्वार्टर वन होगा ये बहुत ही बेहतरीन रह सकता है, इस बार क्वार्टर वन में कंपनी कमाल करते हुए दिखाई दे सकती है। इस बार जो रीजन काफ़ी अच्छे बन रहे हैं और इस वजह से लग रहा है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। अगर हम इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो वो भी बहुत ही शानदार था। रेवेन्यू इनका 11,960 को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 15.41% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 503.11 करोड़ रही, जहाँ पे 28.04% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 4.21% रहा, जहाँ पे 11.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन इनका रिजल्ट क्वार्टर फोर का रहा है। साथ में अगर आप देखोगे तो इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, हर साल आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो इनको 393 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जून में वो प्रॉफिट थोड़ा सा घटा, यानी 391 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसकी भरपाई सितंबर में हो गई, जब इनका प्रॉफिट बढ़कर 422 करोड़ तक पहुंच गया। और दिसंबर आते थे कंपनी का प्रॉफिट 426 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में वो 503 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि लगातार हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस बार प्रॉफिट में और बड़ा उछाल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो सीधा फायदा इनको मिलने वाला है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 73% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हैं 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 219 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 216 तक स्टॉक जा सकता है और यहाँ तक पहुँच गया फिर 213 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल मौका है निवेश करने का, पॉजिटिव माहौल बना तो 224 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 226 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पहुँच गया फिर 229 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल टाटा पावर में निवेश करें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।